विकासखंड दरभा के ब्लॉक कॉलोनी सहित राउत पारा होते हुए पंचायत भवन तक लगे स्ट्रीट लाइट पिछले दो सालों से खराब हुए हैं। ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए दरभा बस्ती से ब्लॉक कॉलोनी होते हुए राउत पारा की ओर से पंचायत भवन तक क्रेडा विभाग के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जो कि यह सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट सालों से खराब है। दरभा की बस्ती से पंचायत भवन तक सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइटों के खराब होने से रात के बीच अंधेरा पसरा रहता है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार यह स्ट्रीट लाइट लगे 4 से 5 हो गए हैं और इसके लगने से कुछ साल ये जला और पिछले 2 साल से खराब होकर बंद है। स्ट्रीट लाइट के खराब होने से दरभा बस्ती से ब्लॉक कॉलोनी होते राउत पारा पंचायत भवन तक अंधेरा छाया रहता है। सड़क में अंधेरा होने के कारण लोगों को सांप बिच्छू जैसे कई जैसी चीजों का डर रहता है। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मधुसूदन सिंह ठाकुर है, मैं दरभा राउत पारा में रहता हूँ। अच्छा, और ये दरभा में ब्लॉक कॉलोनी से लेकर पंचायत तक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कब से खराब है ये स्ट्रीट लाइट? लगे हुए तो 4 से 5 साल हो गया, लेकिन वहाँ 2 साल से करीब पूरा बंद ही पड़ा हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरपंच को भी हमने सूचना दे दिया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, लाइट बंद का बंद ही रहता है हमेशा। अच्छा, और इससे जो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, इससे ग्रामीणों को क्या परेशानी हो रही है? अंधेरे में आने जाने का खतरा, अभी बरसात का वक्त है, सांप बिच्छू का खतरा, ये सब परेशानी है। आने जाने में अगर सरकार इतना अच्छा बना के रखा है तो कुछ खुला रहे तो आने जाने में समस्या नहीं होगा और सांप बिच्छू का भी डर नहीं रहेगा।